हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। और आज हम अपने 10th पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एक मिरर इमेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पर हम लोगों ने अपने पैटर्न को एक ग्रिड के फॉर्मेट में ड्रॉ करा हुआ है। हम यहाँ पर अगर नंबर ऑफ रोज को यहाँ पर मेंशन करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है इक्वल टू 5, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ इसका कोड दिखाऊं, तो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट करवा लिए हैं अपने नंबर ऑफ रोज, जिसको हम यहाँ पर 5 मेंशन कर देते हैं, राइट? अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे किस तरीके से काम किया है। आगे जब नंबर ऑफ रोज एंटर कराने के बाद हमें यहाँ पे दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज है हमारे पास हमारी स्पेसेस, राइट? एंड द सेकेंड थिंग इज आवर स्टार्स। तो हमें दो चीजें यहाँ पर प्रिंट करानी है। यहाँ पर अगर मैं स्पेसेस को नंबर करूं, तो जो मेरी पहली रो है उसके अंदर मेरे पास 4 स्पेसेस हैं, देन मेरे पास यहाँ पर 3 स्पेसेस हैं, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2, 1, और अगर यहाँ की बात करती हूँ तो मेरे पास 0 स्पेसेस अवेलेबल है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस की बात करूं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 5, एंड जो मेरी पहली वाली रो है उसके अंदर मेरे पास जो यहाँ पर स्पेसेस हैं, दैट इज इक्वल टू r-1। अगर मेरे पास रो 5 है, तो 5-1 मेरे पास 4 स्पेसेस हैं पहले, राइट? तो हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें मैंने वैल्यू रखी है r-1, यानी कि 5-1, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 4। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो स्पेसेस हैं, दैट इज 4 इन नंबर, राइट? तो हमने क्या किया है, अपनी पहली रो के लिए जो ये 4 स्पेसेस हैं, उसको यहाँ पर वेरिएबल k के अंदर यूज कर लिया है, राइट? फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया जिससे हम ये स्पेसेस जो हैं, जो हमारी रोज चेंज हो रही हैं, देखिए यहाँ पे हमारी ये रोज जो चेंज हो रही हैं, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया जो कि 1 से लेकर r+1 6, यानी कि 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज द चेंजिंग ऑफ रोज, ये रोज के लिए हम लोगों ने फॉर लूप लगा दिया है। अब अगर आप यहां पर देखें, रो आपकी 1 तो *1, रो आपकी 2 तो *2, रो 3 तो स्टार्स भी 3, यानी कि i अगर रो को कॉरेस्पॉन्ड करता है, अगर मैं कहूं कि ये वैल्यूज i हैं तो रोज को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो उतने ही स्टार्स हमारे यहां पर प्रिंट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि मुझे पहले यहां पर स्पेस 4 प्रिंट करानी थी, तो मैंने स्पेस इनटू k किया, k की वैल्यू मेरी 4, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने एक स्टार प्रिंट कराया, i की पहली इटरेशन में वैल्यू 1, तो यहां पर मैंने स्टार्स को मल्टीप्लाई किया है i के साथ। एंड में मैंने यहां पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है, बिकॉज मुझे स्टार्स जो है वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट कराने हैं। उसके बाद फिर अगर आप यहां पे देखें, तो जो आपकी स्पेसेस हैं वो कम होती जा रही हैं, राइट? तो स्पेसेस बाय 1 डिक्रीमेंट हो रही हैं आपकी, राइट? तो उसके लिए मैंने यहां पे क्या करा, k इज इक्वल्स टू k माइनस 1 कर दिया। तो इस आइटरेशन में जो k की वैल्यू है वो मैंने 3 सेट कर दी, और एम्प्टी स्ट्रिंग से मैं इस नेक्स्ट वाली रो के अंदर आ गई। तो यहां पर फिर हमारी 3 स्पेस जो है वो प्रिंट होगा, और i की वैल्यू सेकेंड इटरेशन में 2 होगी, तो 2 टाइम्स हमारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे 2 कर दिया, तो फिर 2 टाइम्स स्पेसेस प्रिंट होगी, और i की वैल्यू 3 होगी, तो 3 स्टार्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। फिर 1 स्पेस एंड अल्टीमेटली देन आफ्टर 0 स्पेस यहाँ पर प्रिंट होकर i की वैल्यू 5 के साथ यहाँ पर 5 स्टार्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि प्रोग्रामेटिकली क्या हम इसको इसी तरीके से इंप्लीमेंट करवा पाते हैं। ये रहा वो कोड जिसकी मदद से हम अपने मिरर इमेज को यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर यूजर से नंबर ऑफ रोज एंटर करवाए हैं, उसके बाद अपने स्पेसेस के लिए यहाँ पर हमने k की वैल्यू को r-1 के लिए सेट कर दिया है, रोज को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया है, k
जो कि हमारे स्पेसेस को रिप्रेजेंट करेगा, उसको स्पेस के साथ मल्टीप्लाई किया है, और स्टार जो कि हमारी आई की वैल्यू के इक्वल प्रिंट होंगे उसको आई से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हर एक रो के अंदर स्पेसेस एक नंबर कम हो रही हैं तो उसको डिक्रीमेंट किया है और एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है ताकि हम रोज को चेंज कर सके। चलिए देखते हैं इसे रन करके क्या हमें हमारा करेक्ट आउटपुट यहाँ पर मिलता है। लेट द नंबर ऑफ रोज बी 5 एंड यस, आपकी स्क्रीन पर जो अभी प्रिंटेड है वो है हमारा एक इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल। इसको बात करके देखते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा और अगर बड़ा वैल्यू लेते हैं तो वो भी हमारे पास बिल्कुल करेक्टली प्रिंट होकर आ गया। आई होप कि आपको ये पैटर्न जो है वो समझ में आया होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।